देखिए, आपको एग्जाम से पहले मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। यदि आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करने में काफी आसानी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री हियर। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस हिसाब से कल आपका पेपर शुरू होने वाला है, तो उन सारे एस्पिरेंट की जो कल के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, उसके साथ ही साथ आने वाली हर शिफ्टों में उन सभी एस्पिरेंट के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा शिफ्ट को एनालिसिस करना, और कल के एग्ज़ाम को जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उन सभी स्टूडेंट को जिनका कल विभिन्न शिफ्टों में पेपर है, उसके साथ ही साथ सारे एस्पिरेंट को जिनका 14 से लेकर 5-12 तक पेपर है। देखिए, आपको एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। यदि आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का पेपर अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम का पैटर्न बता देती हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का पैटर्न जानते होंगे, बट फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 90 मिनट्स में आपको उसको कवर अप करना होगा। इच क्वेश्चंस टेक 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर लेता है। उसके साथ ही साथ 0.25 के आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती हैं। तो आपको एग्ज़ाम को इस तरह से अटेम्प्ट करना है नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर। इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट वो भी मिलेंगे जो फ्रेशर है, 12th पास है, कुछ ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके साथ ही साथ आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से भी होने वाला है जो SSC CGL जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, आपने जैसी भी तैयारी करनी थी आपने अपनी तैयारी कर ली है। अब लास्ट में जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर अपने आप को बिल्कुल काम रख के, बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आपको जो आपको टाइमिंग दिया जाता है उस टाइमिंग में आपको अपना मैक्सिमम और बेस्ट करने की कोशिश करनी है। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी कहीं हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जहाँ आपको डाउटफुल कंडीशन रह जाती हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। देखिए, जहाँ पे आपको डाउट रहता है या ऐसा लगता है कि मान लीजिए प्रश्न मुझे आ रहा है और आप उसको करने में एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमिंग वेस्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रश्न आपको आ रहा है बट आपने हड़बड़ाहट कर दी, तो कैलकुलेशन की वजह से उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता। आप आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच कर भी उस प्रश्न को छोड़ देते हैं और उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस प्रश्न में भी आपको ऐसा डाउट हो उसे आप स्किप कीजिए, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है उसे आप अटेम्प्ट कीजिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, हर स्टूडेंट का IQ लेवल अलग अलग होता है, उसके साथ ही साथ हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट भी फेवरेट होते हैं, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उनके लिए ईजी पढ़ते हैं, या कुछ सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो सब्जेक्ट उनके लिए टफ पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी GK अच्छी है, या मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, तो आपको एग्ज़ाम में वही सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो आपका सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि इजी स्टेप से आप टफ स्टेप की ओर बढ़ते हैं तो वो आपके लिए आसान होता है। एक आप टफेस्ट को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं और आपसे नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। जस्ट सपोज आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है पर फिर भी आप और आपकी GK कमज़ोर है, फिर भी आपने एग्ज़ाम की स्टार्टिंग GK से की, तो ऐसे में क्या होता है कि आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते और आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। फिर आगे उस पेपर को आगे बढ़ाने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, साथ ही साथ आपका मेंटलिटी भी खराब हो जाती है वहाँ पर। तो आपको वहीं अटेम्प्ट करना है पोर्शन जो आपका सबसे बेस्ट हो। उसके साथ ही साथ मैं बात कर लेती हूँ कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट्स में, और इस 90 मिनट्स को आपको 2 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड करना है। ए सेशन में आपका GK रहता है 50%, और दूसरे सेक्शन में आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर रहता है। तो इसी हिसाब से आपको अपने
टाइमिंग को भी दो सेशन में डिवाइड करके करना है। देखिए आपको इससे बेनिफिट किस हिसाब से होगा, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाते हैं तो आप ढंग से पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए 90 मिनट्स भी कम रह जाते हैं क्योंकि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो करना क्या है आपको, आपको अपने इन 90 मिनट को इस दो तरीके से डिवाइड करना है कि आप 90 मिनट में से 25 मिनट आप जीके को दें, बाकी के 65 मिनट्स आप अपने तीन सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को दें। पता है इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि 25 मिनट आपने 50 क्वेश्चन जीके के पोर्शन को दे दिए और बाकी के 65 मिनट आपने इन तीन पोर्शन, जिसमें आपका कैलकुलेटिव पोर्शन भी है मैथ रीजनिंग प्लस एक थ्योरेटिकल पोर्शन, थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन कंप्यूटर भी है, तो इनको दे दिए। अब जो 25 मिनट आपने जीके को दिए थे, यानी कि दो प्रश्न में एक मिनट आपने लगाया है, तो वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न आपको आते हैं सीधे सीधे आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसमें आपको डाउटफुल कंडीशन में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप नीचे आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बार में आपसे जितने प्रश्न हो रहे हैं आप उतने करते जाइए, नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते जाइए। मान लीजिए सबसे पहले आपने, अगर आपका जीके अच्छा है, जीके के पोर्शन को कवर करने की कोशिश की, आपको जितने प्रश्न आते हैं आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि 25 मिनट से ज़्यादा मुझे जीके को नहीं देने, और इन 25 मिनट में सबसे पहले आपको अपने 50 क्वेश्चंस देख लेने हैं, और मान लीजिए 25 में से आप 15-20 मिनट में देख पाए और बाकी के 5-10 मिनट शेष रह गए, उन 5-10 मिनट को आपको लास्ट में काम में लेना है। तो इस प्रकार से पहली बार देखने पर आपको जितने प्रश्न आते हैं एक्यूरेट आप उतने ही अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आप मत लीजिए। एक सेक्शन को जितना कवर कर पाए उसे छोड़ के नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते जाए। मैथ को लगाने के बाद तुरंत रीजनिंग लगानी है, या फिर रीजनिंग को लगाने के बाद तुरंत मैथ लगानी है, क्योंकि आपका माइंड उसी कैलकुलेटिव एक लय में बना रहेगा, तो उससे आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। लास्ट में आप कंप्यूटर अटेम्प्ट कर लीजिए, और फिर बचे हुए टाइम में आप उन चारों सेक्शन में देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपके रह गए थे। आप वहाँ पे जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू लगा सकते हैं, तो हर सेशन में जाके आपको जैसे एक पर्पल टाइप का सिंबल दिख जाएगा कि हाँ यहाँ आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया है, तो डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पर टिक करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात ये कि मैं बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि मैम हमारा सेंटर इतनी दूर है कि हम एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं। तो देखिए सेंटर यदि आपका दूर है वो इसी वजह से है कि पेपर में कोई भी किसी प्रकार का गबन ना हो, ईमानदारी से सारे बच्चे पेपर देने जाएं, आपका सेंटर कितनी भी दूर क्यों ना हो आप अपना वहाँ बेस्ट देकर आए, बाकी जो भी होगा वो सब भगवान की मर्जी से होगा। ये सोचकर आप जाए कि आपको जितना करना था, मेहनत करनी थी, आपने उतनी कर ली। एग्ज़ाम में जब आप अपीयर हो, यही सोचकर बिल्कुल शांत दिमाग से कि मुझे आज अपना बेस्ट देना है, इसी प्रकार से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी। अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका एक एडमिट कार्ड होता है, उसके अलावा आपका एक आईडी प्रूफ होता है, और आपको दो फोटो ले जानी होती हैं, तो आपको आईडी प्रूफ आप वो लेकर जाइए जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही आपका सीबीटी एग्ज़ाम का पासवर्ड होता है। उसके साथ ही साथ जब आपको एंट्री दी जाती है तो आपसे नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब पूछी जाती है, तो एग्जैक्टली आपका एडमिट कार्ड और जो आप अपनी आईडी प्रूफ लेकर जाए जिसमें आपकी फ़ोटो हो, वो उन दोनों में सारी आपकी जो डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डिटेल्स सेम नहीं होती हैं तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम में एंट्री देने से पहले आपकी पूछताछ होती है, पूछा जाता है, तो वहाँ क्या होता है, थोड़ा आपका मूड ख़राब हो जाता है अगर ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होती है। तो आपको अपनी तरफ से सारी तैयारी अच्छे से करके जानी है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाने हैं। पेन पेपर आपको वहीं एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं, एग्ज़ाम की टाइमिंग आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाती है, इस प्रकार से आपको अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एक बार फिर से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, बिना हड़बड़ाहट किए। आपको किसी भी प्रश्न में ज़्यादा टाइमिंग नहीं वेस्ट करना है, एक प्रश्न का टाइमिंग वेस्ट किया हुआ आगे चार प्रश्न के आंसर खा जाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ सारे स्टूडेंट को अच्छे से आप पेपर देंगे,
और उन नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए जिनका परसों या आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, आप पेपर को एनालाइज ज़रूर करके जाए। पेपर का जो एनालिसिस है वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होता है नेक्स्ट एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए, तो आप ऐसा ज़रूर करके जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स यहाँ पर दूर हुएंगे। उसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।